लो जी, कोई तकरीबन 3-3.5 घंटे की सफ़र के बाद, पता नहीं क्यों 3.5 घंटे लिया। चल बहुत स्लो रही थी गाड़ी, मैं पहुंच गया हूं दुबई। और ये सामने इब्ने बतूता का गेट है, इब्ने बतूता गेट कहलाता है ये। और ये हम इधर इसी रास्ते से हम अभी आए हैं, तो अभी बस पहुंचा हूं भाई। यहां से अब मैं जाऊंगा भाई के पास, मतलब मेरा यहां पे भाई है जो कि दुबई के अंदर ही अभी फ़िलहाल मौजूद है, तो मैं जाकर रेस्ट करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर शुरू करूँगा, तो फिर पता चलेगा कि फिर क्या करते हैं, तो नई एक्सप्लोरेशन करते हैं। अब दुबई पहुँच गया हूँ और यहाँ पे बहुत सारी मुलाकातें हैं, बहुत सारी लोगों से मिलना है, कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें दिखानी है आप लोगों को, कुछ पुरानी जगह हैं वो दिखानी है, कुछ मार्केट्स हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। पर मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ या कमरे की तरफ, जो भी बोले, तो दिखाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मैं अब उससे आगे का आप सफ़र आपको दिखा रहा हूँ। अब जब मैंने जाना था अल करामा इलाके में, तो बस और दो चीज़ ज़राए जाने के, बस और क्या कहते हैं मेट्रो, इसके अलावा टैक्सी है, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, तो टैक्सी तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए भाई यहाँ पे कैश में काम नहीं चलता, उसके लिए आपको जो है कार्ड बनाना पड़ता है। ये 25 दिरहम का कार्ड है जो कि मैंने बनवाया है, ये मेट्रो बस दोनों में चलता है। तो अभी मेट्रो स्टेशन है, चलते हैं इधर, मेट्रो भी यूज़ करेंगे और इस कार्ड को भी यूज़ करेंगे, देखते हैं कितना हमें फ़र्क पड़ता है इस कार्ड से जो है मेट्रो के लिए। मैं को अभी बस में भी जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बस का भी सफ़र करके आया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मेट्रो को देखा जाए कि दुबई की मेट्रो कैसी है। ये मेट्रो स्टेशन है दुबई का, ये देखें वो मेट्रो चल रही है ऊपर, और हम भी इसी में सफ़र करेंगे मेट्रो के अंदर। तो आइए चल के देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये सफ़र। और ये है इब्ने बतूता रेलवे मोटर मेट्रो स्टेशन। इसके बाद हमने चल के पूछते हैं कि जी हमें करामा की ट्रेन कहाँ से मिलेगी, ये हम कंफर्म करते हैं चल के करामा कहाँ से जाएगी। ओके, यहाँ मालूम करते हैं जिससे कि हमें करामा कैसे पहुँचेंगे और ट्रेन कहाँ से जाएगी, ये सारी मालूम देते हैं। टिकट इंफॉर्मेशन, भाई जी हमने कार्ड को पंच किया है और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन और हम चलेंगे अल करामा। और आपको भी लेके चलता हूँ साथ साथ, कोशिश रहेगी कि सफ़र सारा आपके साथ दिखाऊँ कि किस तरीके से सफ़र कर रहा हूँ और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। चले जी, ये है जबल अली का स्टेशन, यहाँ पे वो मेट्रो ख़त्म हो गई और अब हमें नीचे जाना है। ADCD बता रहे हैं वो कोई स्टेशन है, हमें वहाँ उतरना है, वहाँ से हम फिर पैदल अल करामा जाना पड़ेगा। तो ये जबल अली पहुँचे हम लोग अभी, और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी है सामने, अगर मेट्रो में जाते यहाँ से तो समय नज़र आती। मैं आपको दिखाता हूँ ये सामने, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं भाई यहाँ पर। आइए चलते हैं ADCD और देखते हैं। और यार बड़ी ऊंची ऊंची जो है ना, इन्होंने लिफ्टें लगाई हैं भाई, वो तो बड़ी खड़ी खड़ी लगाई हैं, मैं अबू धाबी में भी देख के आया हूँ, और वो लिफ्टें ऐसी हैं कि यूँ जा रही हैं सीधी स्ट्रेट, मुझे तो चक्कर आ गए थे उसके अंदर। एक पीछे मेरे खातून खड़ी थी, वो गिर भी पड़ी थी शायद, ये देखे ना कितनी हाइट के ऊपर इन्होंने लगा दी, सीधी सीधी जा रही है,
इसी तरह जब ऊपर जाती है तो वो भी ऐसी खड़े हो जाती है। चलते हैं एडी सिटी, देखते हैं कौन सी जगह है ये एडी सिटी, स्टेशन है कोई एडी सिटी, वहाँ चलते हैं और फिर देखते हैं। हम उतरे थे अब फिर चढ़ रहे हैं, ये देखें चढ़ाई देखें कितनी सीधी चढ़ाई होती है, और इसी तरह से यहाँ पे इस तरह ही बनी हुई है इसके लिए सारी। अच्छा जी, इस वक्त जो ना मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और मुझे जो जाना है वो ये है एडीसीबी, यहीं कहीं पे वो जो है वो एरिया है जहाँ मुझे जाना है, और बस अभी यहाँ वेट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में आती है हमारी ये जो क्या कहते हैं इसको मेट्रो ट्रेन, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैंने देखा यहाँ पे जो अबू धाबी जो है उसके अंदर बसें जो हैं वो बड़ी 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 बसें चलती हैं, और लेकिन वो बसें जो है ना तमाम बसें खाली फिर रही होती हैं रोडों पे, एक एक दो दो बंदों के लिए वो बसें इतनी उन्होंने चलाई हुई हैं, वो बड़ा देख के मुझे हैरत हुई है। और दुबई के अंदर भी सिस्टम जो है वो बड़ा मुझे लगा कि जैसे वो अबू धाबी जो है ना इस्लामाबाद टाइप लगा, और अभी दुबई तो मैं खैर पहुँचा ही हूँ, मुझे कराची जैसे फील आ रही है यहाँ पे आके, इतना रशी है और क्या कहते हैं जिस तरह का मैस है। बाकी ये कि देखते हैं आगे चल के, जब एक्सप्लोर करते हैं तो फिर पता चलेगा सारी चीज़ों का। The final destination of this train is Center Point. The next station is एडीसीबी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से मैं आ गया हूँ बाहर। अब चलते हैं रेलवे इस मेट्रो स्टेशन के बाहर चल के देखते हैं कि जब कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है और बगैर इंटरनेट की तलाश करनी जगह, तो आगे चल के देखते हैं कि हम कैसे तलाश करते हैं उस जगह को, लोगों से पूछना पड़ेगा जाहिर है। तो चलते हैं बाहर चल के देखते हैं। नहीं जी, ये है दुबई और दुबई की सड़कें और यहाँ की जो है वो बिल्डिंग्स, और मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं कोई इंडिया आ गया हूँ या पाकिस्तान आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे माहौल जो है ना वो पूरा यूरोपियन ही है। मतलब अभी जो मैं कुछ देख रहा हूँ ना यहाँ बसों में, रेलवे स्टेशंस पे या मेट्रो स्टेशंस पे, तो वो जो माहौल है वो बड़ा एडवांस मुझे लगा इधर, जैसा कि कुछ इंडिया में है जिस तरह का, तो कुछ इस तरह की जो है एनवायरनमेंट मुझे यहाँ नज़र आई है। तो बहरहाल ठीक है, दुबई एक इंटरनेशनल शहर बन चुका है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जगह जगह पे ये पड़े हुए हैं, देखें ये पढ़ तो लिया होगा आपने, ये मसाज सेंटर और इस पर इस तरह करके जो ना यहाँ पे लोगों को बांटते हैं ये चीज़ें इस तरह की, तो ये आपको बहुत आम कॉमन मिल जाती है इधर। और बस ये कि जो कुछ माहौल है वो ज़रा एडवांस है, आने से पहले आपको माइंड बना जाना पड़ेगा कि आप मिनी यूरोप जा रहे हैं, और थोड़ा सा एडवांस माहौल मिलेगा आपको इधर। जो लोग आ चुके हैं दुबई उनको तो पता ही है, कि जो लोग नहीं आए, क्योंकि मैं नहीं आया था पहले तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो कुछ कुछ इंडिया जैसा ही माहौल है, क्योंकि इंडिया में भी थोड़े से आज़ाद ख्याल हैं लोग, तो इस तरह के ही। चलते हैं आगे की तरफ, अब मैं ढूंढ रहा हूँ ओत मत्था कोई इलाका है अल करामा के अंदर ही, वहाँ जाके तो फिर हम जो है वो जगह जिस पर हमें जाना है। नहीं जी, बस थोड़ा ही दूर है, मैं काफ़ी पैदल चल गया हूँ, और मुझे लगता है कि मैं रात को ना बड़े सुकून से सोऊंगा, बहुत थक चुका हूँ। करामा का इलाका है ये, पता नहीं कौन सा मत्था इलाका है भाई, समझ से बाहर है।
चलते आगे, अब पहुंचने वाला हूँ बस। और जब भी आप दुबई में आए तो आपने रोड ऐसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करनी है और गाड़ियाँ रुक जाती हैं इधर, ये देखें।